बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सहर्स किचन। आज मैं आपको बूंदी बनाना सिखाऊंगी, नमकीन बूंदी, जो आप बूंदी चाट बनाने के लिए दही भले, पापड़ी चाट किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बूंदी बनाएंगे, तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। उसके लिए ले रही हूँ मैं हाफ कप मैदा, एक कप बेसन, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और पानी इसको गूंदने के लिए। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो 1 टीस्पून आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लें। तो सबसे पहले हमें बैटर रेडी बना कर लेते हैं। इसमें हम डाल लेते हैं बेसन, मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक। अब पहले इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम पानी डाल के इसको गूंदेंगे, और याद रहे ये आपने बहुत ज़्यादा ना तो रनिंग बनाना है, ना ही बहुत थिक बनाना है, दरमियाना बनाना है इसको। तो ये मिक्स हो गया, अब इसमें पानी ऐड कर दें। जी ये देखिए, ये अभी बहुत थिक है, इसको हम थोड़ा सा अभी नरम करेंगे और इसको थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे इसमें। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है, बस इतना रखना है आपने इसको। अब इसको कम से कम आपने 20 या 15 मिनट रेस्ट ज़रूर लेना है लाजमी तौर पे। अब इसको हम रेस्ट देते हैं, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। जी 20 मिनट हो चुके थे और मैंने पैन में ऑयल लिया, इसे गर्म कर रही हूँ। अब इसको हम चेक कर लेते हैं गर्म हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम बैटर डाल के देखते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ उठ गया तो इसका मतलब है कि घी है वो गर्म है। जी ये देखिए रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का आप एक चम्मच ले लें या कोई भी ऐसी आप प्लेट ले लें जिसमें इतना होल्स हो। अब इसके ऊपर आप डाल दे जाएंगे, इस तरह रखेंगे और ऐसे डालते जाएं। इसके सुराख थोड़े छोटे हैं तो ये थोड़ी छोटी हमारी बूंदी बनेगी। इस तरह ऊपर से आप इसको हटाते रहें ताकि एक जैसे उसके ऊपर कलर आए। ये देखिए जी, हमारी जबरदस्ती बूंदी रेडी हो गई है। जी ज़बरदस्ती बूंदी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती बनी है। इसे आप चाट बनाइए, किसी भी चीज़ में डालिए, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है और इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है। आप भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।